मेडिकल समूह आसगांव द्वारा श्रद्धेय दंतपंत ठेंगड़ी जन्म शताब्दी के अवसर पर बांबू प्रदर्शनी कार्यशाला व जाहिर व्याख्यान 28 जनवरी व 29 जनवरी 2020 तक शिवार्पण टावर राजीव गांधी चौक भंडारा यहां आयोजित किया गया है। कार्यशाला और जाहिर व्याख्यान ऐसे दो दिन का ये सत्र हमने आयोजित किया है। उसमें बांस से बनी हुई हस्तशिल्प और हाउसिंग, यहाँ तक सभी संपूर्ण बांबू केंद्र में बनता है, और उसी मेलघाट से आए हुए यहाँ के जो सुनील जी देशपांडे हैं, ये आयोजक है और ऑर्गेनाइजर है, और हमारे लोकमंगल के तरफ से हमने ये कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया है। अभी भंडारा के लिए बहुत ही अच्छा मौका है कि ये सब चीज़ें वो यहाँ आके देखें और प्रदर्शनी का आनंद लें, और बांबू की जो कार्यशाला है कल 29 तारीख को वो उसमें भाग ले, 9 से 4 बजे तक है। उसमें सब लोग जो इच्छुक है वो ये सभी चीज़ें सीखने के भी काम आ सकता है, इसलिए आइए सब और इस प्रदर्शनी का आनंद लीजिए। श्रद्धेय दंतपंत ठेंगड़ी, इन्होंने समाज के विविध क्षेत्रों में कार्य किए हैं। उनके जन्म शताब्दी वर्ष में कार्यकर्ताओं ने उनको आग्रह का विषय सुनील देशपांडे इस कार्यकर्ता के कार्य व समर्पित जीवन यात्रा के लिए सम्मानित किया जाना चाहिए। अपने कार्य को समुदाय में लाने और नए श्रमिकों द्वारा प्रेरित करने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के सृजन के लिए सम्मानित दंतपंत ठेंगड़ी की जन्म शताब्दी की वर्षगांठ के अवसर पर 28 व 29 जनवरी 2020 इन दो दिनों पर आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होने का आग्रह लोक मंगल समूह आसगांव के अध्यक्ष अनिल मेंढे इन्होंने किया है। इस कार्यक्रम में शुभांगी सुनील मेंढे ने बांबू प्रदर्शनी में सहभाग लेकर बांबू का महत्व बताया। इसके साथ ही बांबू से निर्माण होने वाले घरेलू सामग्री के बारे में अवगत करने के लिए स्प्रिंगडेल स्कूल के विद्यार्थियों ने जमकर उत्साह दिखाया। इसके साथ ही बांबू प्रदर्शनी में खरीदी करने दूर दूर से लोग आकर इस प्रदर्शनी का लाभ ले रहे हैं। बच्चों को इसलिए बुलाया है क्योंकि प्लास्टिक मुक्त भारत ये अपना अभियान है, और उस अंतर्गत अगर ये पर्यावरण से रिलेटेड जो बांबू का उत्पादन है और उसकी खेती से रिलेटेड सब उत्पादित वस्तुएं हैं उसका कैसा उपयोग करें, ये दिखाने के लिए हमने सब बच्चों का भी यहाँ कार्यशाला आयोजित किया है, और उनका विद्यार्थी समुपदेशन भी यहाँ पे रखा है। ये प्लास्टिक से अपने को जो मुक्त करना है, खास बैग्स है जो प्लास्टिक के से नहीं बांबू के वेस्ट से बनी हुई है, और बांबू से सभी चीज़ें जो बनी है वो जैसे घर गृह उपयोगी जो वस्तुएं हैं, ट्रे, टेबल स्टैंड्स एंड पेन स्टैंड से लेके राखी तक, ऑर्नामेंट ज्वेलरी तक जो बनाया है वो सभी ऐसी चीज़ें हैं कि जो गृह उपयोगी है और खासकर महिलाओं के लिए है। बचतगढ़ से अगर कुछ ऐसे उत्पादित बाजार पेट भी आए तो भी हमारे ये कार्यक्रम की सफलता हम सोचेंगे, क्योंकि बचतगढ़ से अंतर्गत ये बांबू की केंद्र हम बहुत अच्छी तरह से चला सकते हैं, और बहुत सारी महिलाओं को हम कार्यशाला के अंतर्गत उनको ट्रेनिंग दे सकते हैं, इसी आशा से हमने ये आयोजन किया है। नमस्कार, हे बांबू एग्जिबिशन एकाउन एक खूब छान कलाकृति इथे आहे। भाजीच्या पिशव्यापासून ते कानातले इयररिंग्स, गणपती, त्याच्यानंतर फ्रूट बास्केट, त्याच्यानंतर तोफ,
आणि बाकीचे ज्या वस्तू आहेत त्या सगळ्यात छान आहे। आम्ही मुंबईहून आलो आणि आम्हाला फार आनंद झाला। यातल्या खूप साऱ्या वस्तू आम्ही आमच्या मित्रांसाठी आणि स्वतःसाठी गिफ्ट म्हणून घेतलेल्या आहेत आणि याच्यापुढे हे एक्झिबिशन कधी मुंबई दादर किंवा ठाण्याला असेल तर आम्हाला जरूर कळवा आणि आम्ही जरूर तिथनं विकत घेऊ। न्यूज़ की रोजाना ताजा खबरों के लिए यूट्यूब चैनल, वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर लाइक, शेयर और कमेंट करें। साथ ही यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाना ना भूलें। गूगल प्ले स्टोर से बीएस क्राइम इंडिया न्यूज की ऐप को डाउनलोड कर रोजाना ताजा खबरों के लिए हमसे जुड़े रहे। Thank you.